वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों को हर है ना जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं हर किसी को बताना चाहूँगा, ये पौधे तो सबसे पहले देख लीजिए फिर इसका नाम वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो दोस्तों जड़ी बूटी पेड़ पौधे स्वयं को नष्ट होकर के दूसरों की रक्षा करते हैं, यानी कि जो ये हमारे देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से जड़ी बूटी ये स्वयं को नष्ट कर देते हैं, यानी कि आप जड़ी बूटी उखाड़ करके लाते हैं तो ये स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बीमारी को नष्ट करते हैं, हमें नए जीवन प्रदान करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आयुर्वेद में कहा गए इन पड़े ये जो हमारे वीडियो में देख सकते हैं ना जड़ी बूटी, इन्हें हमें इनका कदर करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, चरक ने भी ये कहे हैं कि आयुर्वेद अमृत है और जड़ी बूटी संजीवनी है। जी हाँ, संजीवनी का मतलब होता है ये हमें नई जीवन प्रदान करता है और अमृत का मतलब होता है दोस्तों ये हमें फिर से यौवन बना देता है, हमारे बुढ़ापों का शमन करता है, हमें स्वस्थ कर देते हैं। अमृत पीने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार इन जड़ी बूटी से बीमार पड़े लोग स्वस्थ हो जाते हैं। तो आप अपना 3 से 5 मिनट का बहुमूल्य समय मुझे देना, आज के 3 से 5 मिनट के आपके जो भी आप हमें बहुमूल्य समय देंगे, इसमें मैं आप लोगों को इस पौधे का नाम है हिंसालू है ना, इसे हिंसालू के नाम से जाना जाता है, इसका आज मैं आप लोगों को फायदा बताऊंगा। ये कैसा भी घाव की बीमारी उसे ठीक कर देता है, प्रमेह है, पेट में दर्द होता है, दुर्बलता है उसका ये नाश करने का काम करते हैं। आप यह उपचार स्वयं नहीं करना चाहते तो दूसरे को बता सकते हैं, कोई भी जानकारी व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते हैं। अगर आप इस प्रकार के पेड़ पौधे जड़ी बूटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल में इस प्रकार की जानकारियां आती रहती हैं। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके जाते हैं, स्किप करते हैं तो इसमें आपको भयंकर नुकसान होने वाले क्योंकि अधूरे ज्ञान खतरनाक होते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये हमारे वीडियो के माध्यम से जो आप ये देख रहे हैं ना हिंसालू, ये समस्त भारतवर्ष में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है, ये हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में प्राप्त होता है और ये नेत्र रोग का काम करता है। अगर दारू हल्दी और ये हिंसालू का पत्र का काढ़ा बनाकर के नेत्रों को धोया जाए तो नेत्र संबंधी हर प्रकार की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती हैं। मुख रोग है तो इसके पत्ते का काढ़ा बनाकर के गरार करने से मुख के रोग ठीक हो जाते हैं, एनीबडी मुख में कोई भी रोग हो वह रोग ठीक हो जाते हैं। अगर पेटों में दर्द होता है, उदर रोग है तो इसके पत्ते है ना, इसके पत्ते और इसके जड़ का काढ़ा बना करके 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन करने से पेट में होने वाले दर्द ठीक हो जाते हैं, पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इसके पत्ते को कूट करके इसमें हल्दी मिला करके काढ़ा बना करके पीने से भी पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब महिलाओं में सफ़ेद पानी निकलती हैं या सबसे ज़्यादा डिस्चार्ज की समस्या आ जाती है, डिस्चार्ज मतलब यहाँ पे बताऊँगा वाइट वाइट कलर की जो सफ़ेद पानी निकलती है उसे हम बोल सकते हैं, या ब्लीडिंग होती है उसे हम बोल सकते हैं। तो इसके 2 ग्राम इसके बीज का 2 ग्राम पीस करके दूध के साथ पीने से जो सफ़ेद पानी निकलना है या प्रमेह संबंधी जो भी बीमारी है वह ठीक हो जाते हैं। इसके बाद ये जड़ को ठीक करते हैं। रसबेरी से निर्मित इसका एक सिरप आता है दोस्तों, जिसे मिस्टोद के नाम से जानते हैं, इसका सिरप मार्केट में ले सकते हैं, वो पीने से हर प्रकार की कमजोरी ठीक हो जाती है, ज्वर दूर हो जाती हैं। अगर किसी को दुर्बलता है तो हिंसालू के ताजे फल का रस का सेवन करने से दुर्बलता दूर हो जाती है। तो यही थे कुछ इसके छोटे मोटे फायदे जो कि आप लोगों के साथ में जानकारी शेयर की, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। और अगर आप भी हिंसालू की कोई प्राकृतिक उपचार जानते हैं, इसे आप किस नाम से जानते हैं, कौन से राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, क्योंकि अगर आप हमें कॉमेंट लिखते हैं इसे आप किस नाम से जानते हैं ये बताते हैं तो काफी अच्छा लगता है, बहुत से लोग हमारे कमेंट को पढ़ करके ही जानने की कोशिश करते हैं। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूँ मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।